गुड मॉर्निंग क्लास प्रेप, हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, ठीक है ना। तो आज हमारा सेकंड डे है ईवीएस का। कल हमने पढ़ा था एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में, जो कि विदेशी फल होते हैं उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो कौन कौन से फ्रूट्स पढ़े थे हमने, अपनी बुक्स निकालो, पेज नंबर 3 ये वाली बुक है, बुक सेट अपना ले लीजिए अच्छे से। तो हमने कल पढ़ा था कीवी, पिंक गुआवा, जैकफ्रूट, रामबुटन, ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, मैंगोस्टीन, ब्लूबेरी, पर्सिमोन, लॉन्गन, स्टार फ्रूट, वाटर एप्पल, कंक्वेट और कुमेला, ठीक है ना। इन सबके बारे में हमने क्या करा कल पढ़ा था, एक्सोटिक फ्रूट्स जो कि विदेशी फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं, बाहर से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कल क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे कुछ, नेम एंड थ्री एक्सोटिक फ्रूट्स और विच इज योर फेवरेट एक्सोटिक फ्रूट्स, तो हमने आंसर्स कराए थे, ठीक है। आपने किया ना अपना होमवर्क, होमवर्क में मैंने 5 एक्सोटिक फ्रूट्स लिखने के लिए कहा था आपको, तो आपने लिखे। होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज पेज नंबर निकालिए 4, वेजिटेबल्स। हम आज पढ़ेंगे वेजिटेबल्स, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स। तो इसमें वेजिटेबल्स में दिया है आपको, देखो पहले दिया है लीफ, ये ग्रीन पॉइंट लिखा है लीफ, लीफी, क्या लिखा है लीफी। तो वेजिटेबल के टैग्स भी दिए हुए हैं, वेजिटेबल कई टैग्स के होते हैं, पहला आता है लीफी, फिर है शीड, फिर है रूट्स और फिर है स्टेम। लीफी का अर्थ होता है, या लीफी का मीन्स होता है जो पत्तेदार, जो लीफ वाली सब्जियां होती हैं उनको कहते हैं, जो लीफ वाली वेजिटेबल्स होती हैं उनको कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स। और शीट, शीट का मतलब होता है बीज, जो दानेदार सब्जियां होती हैं उन्हें कहते हैं शीट वेजिटेबल्स। और रूट्स, जो जिनकी जड़ें होती हैं, जैसे कि जिसके पेड़ आगे निकलते हैं, जड़ अंदर होती है, जैसे आलू और ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं रूट्स वेजिटेबल्स। और एक स्टेम, स्टेम मतलब है तना, जो लकड़ी की तरह सब्जियां दिखती है, छोटी पतली लकड़ी की तरह, उन्हें कहते हैं स्टेम वेजिटेबल्स, ठीक है। तो पहले हम लीफी वेजिटेबल्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट है लीफी, LEAFY, ये होता है लीफी। लीफी का मीन्स होता है कि पत्तेदार सब्जियां।
सलाद, सलाद जो भी उसमें ये खाया जाता है, इससे कोई सब्जी नहीं बनती है, ठीक है ना। तो ये हो गया लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें कैबेज, स्पिनच और लेटस जो कि पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक है ना। फली और कॉल गोभी
कॉल रोबी को कॉल रोबी ही कहते हैं। और एस्परेगस क्या है दूसरा? एस्परेगस इसका मतलब होता है शतावरी। क्या होता है? शतावरी। तो ये हमारी वेजिटेबल्स, उनके टाइप्स और उनके बताया कि कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सी वेजिटेबल्स पढ़े? पहले पढ़े लीफी वेजिटेबल्स जो थे हमारे कैबेज, स्पिनच, लेट्स, फिर शीट वाले पढ़े जिसमें पीस, बीन्स, स्वीट कॉर्न, फिर पढ़े हमने रूट्स वाले जिसमें था क्या, जिसमें थे कौन कौन से फ्रूट्स वाले में टर्निप, कैरेट, जिंजर, बीट रूट, और फिर लास्ट पढ़ा था हमने स्टेम, फिर सैलरी, कॉल रबी एंड एस्परेगस, ठीक है ना। तो अब आपको करना है क्वेश्चंस आंसर। ये आपको सी डब्ल्यू में अब करा रही हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने, अब हम सी डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा सी डब्ल्यू ये है। पहला क्वेश्चन है आपको लिखना है टेस्ट योरसेल्फ, लिखना है यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो पहला लिखेंगे हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम एनी टू लीफी वेजिटेबल्स। Exotic
फ्रूट्स विद वेजिटेबल, अब हम फल फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।